यू आर वॉचिंग फैक्टो न्यूज। कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का लाखों रुपए अटे जा रहे पंजाब में कनाडा के चक्कर में। स्वागत है आप सबका फैक्टो न्यूज में और मैं हूँ अपूर्वा। पंजाब में विदेश में सेटल होने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के मामले बढ़ते जा रहे हैं। शादी अब दो परिवारों का नहीं बल्कि विदेश जाने का धंधा बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में करीब 3600 युवाओं को ऐसी लड़कियों ने ठगा जो विदेश में पढ़ाई कर रही थी और युवाओं के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर उन्हें अपने साथ विदेश में सेटल करवाने का झांसा दिया। इसकी एवज में लड़कियों और उनके परिजनों ने युवाओं से लाखों रुपए ऐंठ लिए और विदेश जाने के बाद लड़कियों ने अपने पतियों से बातचीत करनी ही बंद कर दी। एक रिपोर्ट के मुताबिक विदेशी मंत्रालय में ऐसे 3300 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई है जिनमें से करीब 3000 पंजाब से संबंधित हैं। इनमें से 400 से ज्यादा मामले NRI और महिला थानों में रिपोर्ट किए गए हैं जिनमें लड़के वालों ने लड़की और उसके परिजनों के खिलाफ लाखों रुपए ऐंठने के आरोप लगाए हैं। इन सभी ठगी के मामलों में युवतियों और उनके परिजनों ने करीब 150 करोड़ रुपए युवाओं और उनके परिजनों से ऐंठे हैं। इन युवाओं के परिजनों ने अपने बेटे को विदेश में सेटल करवाने के लिए आइलेट्स पास युवतियों से शादी करवाई और युवतियों के वीजा, कॉलेज की फीस और सिक्योरिटी मनी पर करीब 40 लाख रुपए खर्च किए। युवतियों ने विदेश जाने के बाद अपना नाम पता बदल लेती हैं और ढूंढना भी उन्हें मुश्किल हो जाता है। ठगी के शिकार हुए लोगों में आम आदमी ही नहीं बल्कि पुलिस कर्मी भी शामिल हैं।